अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे YouTube की नई अपडेट्स के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर YouTube पर आने का सोच रहे हैं एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, देन ये न्यू फीचर्स, न्यू अपडेट, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में। जैसा कि अगर आप यूट्यूब पर पहले वीडियोज अपलोड करते हैं, देन आपको पता होगा कि हम जब YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो पहले अपलोड होती है, देन प्रोसेस होती है, देन प्रोसेस के बाद हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम इस पर आई कार्ड वगैरह या फिर एंड स्क्रीन, या फिर अगर हम इसके सबटाइटल्स वगैरह देना चाहते हैं, या फिर अगर हमारी वीडियो 8 मिनट से ऊपर है, मोनेटाइज चैनल की वीडियो अगर 8 मिनट से ऊपर है तो हम उस वीडियो में मिड रोल्स एड्स भी लगा सकते थे। लेकिन इस अपडेट के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें वीडियो अपलोड होने का और प्रोसेस होने का वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं उसी के साथ ही हम आई कार्ड वगैरह या फिर एंड स्क्रीन या फिर सब टाइटल्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो हम ऐड कर सकते हैं वीडियो अपलोड होने, वीडियो प्रोसेस होने से पहले पहले भी हम ये चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं। जैसा कि पहले हम अगर वीडियोस वगैरह अपलोड करते थे तो वो अपलोड होती थी, प्रोसेस होती थी, देन उसके बाद हम ये सब चीज़ें ऐड कर सकते थे। तो इसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाता था, हमें वेट करना पड़ता था कि कब हमारी वीडियो जो है वो अपलोड होगी, प्रोसेस होगी, देन प्रोसेस के बाद हम आई कार्ड वगैरह एंड स्क्रीन या फिर सब टाइटल्स वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अब हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हमें वेट बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वीडियो अपलोड करते ही आई कार्ड एंड स्क्रीन सब टाइटल्स वगैरह दे सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारी सेकंड अपडेट की, जो कि लास्ट अपडेट भी है। तो यहाँ पर YouTube का कहना यह है कि हमने 23 कंट्रीज 23 मुल्कों के अंदर और YouTube शॉर्ट्स के फीचर्स को ऐड कर दिया है। अब इसका फायदा बेसिकली YouTube शॉर्ट्स क्रिएटर्स को होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर सिर्फ कुछ कंट्रीज थी जिनके अंदर YouTube शॉर्ट्स का जो बटन है वो अवेलेबल था, यूट्यूब शॉर्ट्स का जो फीचर है वो अवेलेबल था, जिसकी वजह से मिनिमम व्यूज थे। लेकिन अब इस अपडेट के बाद क्योंकि YouTube Shorts का जो फीचर है वो 23 न्यू कंट्रियों के अंदर भी अवेल किया जा रहा है, सब हमें और भी ज्यादा व्यूज देखने को मिल सकते हैं हमारे YouTube Shorts के ऑप्शन पर। तो अब से दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से YouTube की न्यू अपडेट्स के बारे में बता दिया होगा। तो अब से दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही घंटी का निशान भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।